हे गाइस, कैसे हो आप सब। एज यू नो, आई एम अ मदर ऑफ 3 ईयर टॉटलर, और एज अ पेरेंट हम यही मेक श्योर करते हैं कि हर एक चीज बच्चे के लिए बेस्ट हो। ऐसे ही जब हम स्किन केयर चूज करते हैं, यही मेक श्योर करते हैं कि बच्चे की जो स्किन है वो काफी डेलिकेट होती है, सेंसिटिव होती है, तो प्रोडक्ट भी वैसे ही परफेक्ट होने चाहिए। माई डॉटर वॉज बॉर्न, मेरा एक ही क्वेश्चन था पीडियाट्रिशियन से कि उनकी स्किन के लिए कौन से प्रोडक्ट यूज करूं, तो उन्होंने सिर्फ कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल यूज करने के लिए मुझे एडवाइस किया था। और कोकोनट ऑयल आपको इजिली मार्केट में कहीं भी मिल जाएगा। बच्चे के लिए कोकोनट ऑयल भी कौन सा यूज करना चाहिए, सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस लव लैब कोल्ड प्रेस वर्जिन कोकोनट ऑयल। तो कोल्ड प्रेस ऑयल कौन सा ऑयल होता है, बेसिकली इसमें जब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो कोई भी हार्मफुल केमिकल्स या हार्मफुल प्रोसीजर के थ्रू ये ऑयल नहीं बनता है, बहुत ही रॉ होता है। तो ये आपके बच्चे के लिए, न्यू बॉर्न के लिए या आपके टॉडलर के लिए परफेक्ट है, चाहे आपको हेयर मसाज करना है या बॉडी मसाज करना है या कहीं और किसी वे में यूज करना है। तो कोकोनट ऑयल एक वर्सेटाइल ऑयल है जिसको आप अलग अलग वे में यूज कर सकते हो। ये लव लैब कोल्ड प्रेस वर्जिन कोकोनट ऑयल बच्चों की मालिश के लिए बहुत ही परफेक्ट है। तो छोटे जो बच्चे होते हैं, न्यू बॉर्न बच्चे से लेके 6 महीने तक के बच्चे काफी फजी हो जाते हैं, काफी क्रैंकी हो जाते हैं, तो मालिश के साथ एक तो उनको अच्छी नींद मिलती है, काफी वो सूदिंग फील करते हैं, और इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं और ये इजिली बच्चों की स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। आपने एक और चीज नोटिस करी होगी कि न्यू बॉर्न को काफी क्रेडल कैप हो जाता है, तो उसको क्योर करने के लिए ये कोल्ड प्रेस वर्जिन कोकोनट ऑयल बहुत ही अच्छा है। सिंपली इसके साथ मालिश करें जिसके साथ क्रेडल कैप है वो इजिली क्योर हो जाती है, क्योंकि इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है। सो इट एक्ट्स एज अ नेचुरल मॉइस्चराइजर जो कि आपकी बेबी की स्कैल्प को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। आप इसके साथ बेबी की बॉडी मसाज कर सकते हैं और तब तक मसाज करें जब तक ऑयल एब्जॉर्ब ना हो जाए। जैसे कि काफी पेरेंट्स का ये कंसर्न होता है कि बच्चों को डायपर रैश हो गया है, तो इसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टीज हैं और ये बच्चे के डायपर एरिया को काफी मॉइस्चराइज करता है, तो आप डायपर रैश के लिए भी कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हैं। तो कोकोनट ऑयल को आप एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि बहुत ही अलग अलग वे से यूज कर सकते हो। डायपर रैश के लिए जब भी आप बच्चे को डायपर पहनाते हैं तो थोड़ा सा कोकोनट ऑयल भी साथ में अप्लाई करते हैं, तो उनको डायपर रैश बहुत ही कम होंगे। ऑल्सो इट हेल्प्स इन बेबी हेयर ग्रोथ। नाउ मेरी डॉटर से मुझसे काफी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एम्बर के बाल इतने क्यों अच्छे हैं, बहुत ही सिल्की स्ट्रेट शाइनी हेयर है। मैं हमेशा ये मेंशन करती हूँ कि मैं काफी हेयर ऑयलिंग करती हूँ, जैसे कि कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, ये हम हमेशा उसके साथ मसाज करती रहती हूँ, तो ये बच्चों की हेयर ग्रोथ के लिए भी बहुत ही परफेक्ट है। कोकोनट ऑयल इज रिच इन मीडियम चेन फैटी एसिड एंड दिस टाइप ऑफ फैटी एसिड हैज एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज विच नरिशेज द स्कैल्प, एंड इट इज ऑल्सो हाई इन लॉरिक एसिड विच हेल्प्स प्रिवेंट प्रोटीन लॉस फ्रॉम हेयर। ऑयल को आप बेबी की मालिश करने के लिए, हेयर ऑयलिंग के लिए, डायपर रैश के लिए और बहुत ही अलग अलग वे से आप यूज कर सकते हो, और ये प्योर ऑयल है, अफोर्डेबल है और इजीली लव लैब और amazon.com दोनों पर अवेलेबल है। कौन से लेके किसी भी एज तक आप ये बच्चे के लिए कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हैं। मेक श्योर करें कि बच्चे के लिए हमेशा हम बेस्ट ही दें। सो विल कम बैक विद अनदर वीडियो सून। टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्यूटीफुल।